नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी उम्र में आने के बाद आपकी किडनी धीरे काम करने लगती है। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का विषय और जानते हैं किडनी के काम को। वैसे सामान्यतः देखा जाए तो बढ़ती उम्र के साथ किडनी के काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 60 साल के बाद किडनी के काम करने की क्षमता धीमी हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि किडनी के काम करने की क्षमता 60 साल के बाद ही कम हो। किडनी की धीमे कार्य क्षमता आपकी अनियमित जीवन शैली की वजह से भी हो सकती है। जब आप अपने खान पान में गलत चीजों को शामिल कर लेते हैं तो इसके कारण किडनी के काम करने की गति में कमी आ जाती है। अगर हम किडनी के काम को देखें तो किडनी का काम आपके रक्त को साफ करने का होता है। किडनी आपके शरीर में जमा गंदगी को यूरिन के माध्यम से बाहर करने का भी काम करती है। इसके साथ ही आपकी किडनी आपकी बॉडी में रक्त की कमी को भी दूर करती है, क्योंकि किडनी का एक काम रक्त बनाना भी होता है। इसके अलावा किडनी के काम को देखा जाए तो किडनी आपकी बोन्स को मजबूत बनाती है, साथ ही किडनी आपके यूरिन की मात्रा में बढ़ोतरी भी करती है। तो ये है किडनी के कुछ प्रमुख काम। अब अगर किडनी के काम में किसी प्रकार की रुकावट आएगी तो इससे आपकी किडनी के काम करने की क्षमता कम हो ही जाएगी। ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं है कि किडनी की कार्य क्षमता कम बढ़ती उम्र में ही होती है, क्योंकि किडनी खराबी के केस में कई यंग जनरेशन भी देखी गई है। अब किडनी में खराबी बच्चों में भी देखी जाती है। बच्चों में भी प्रोटीन लॉस जैसी समस्या होती है, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा जाता है। किडनी में खराबी कई कारणों से आ सकती है, जिसका शिकार आप किसी भी उम्र में हो सकते हैं। इसमें एक है बढ़ता रक्तचाप, यानी हाई ब्लड प्रेशर। किडनी में खराबी का एक कारण आपका बढ़ता रक्तचाप है। जब आप अपने खाने में ऐसी चीजों को शामिल करते हैं जो बहुत ज्यादा तेल मसालेदार हो, तो ऐसे आहार का बहुत अधिक मात्रा में सेवन आपके रक्तचाप को बढ़ा सकता है। जब आपका रक्तचाप बढ़ता है तो इससे आपकी किडनी के काम करने की स्पीड कम होने लगती है। तो ये समस्या किसी विशेष उम्र में नहीं होती। इसके अलावा किडनी में खराबी बढ़ते ब्लड शुगर की वजह से भी आती है, और डायबिटीज की समस्या आपको किडनी खराबी का शिकार बना सकती है। ब्लड में बढ़ता शुगर लेवल न सिर्फ आपको डायबिटीज का शिकार बनाता है, बल्कि जब आपकी किडनी ऐसे रक्त को साफ करती है तो इससे किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं, जो कि किडनी के काम करने की क्षमता को कम कर सकते हैं। और यहाँ पर भी उम्र का कोई विशेष महत्व नहीं है। इसके अलावा किडनी में खराबी तब भी आती है जब आप पानी कम पीते हैं या आपको यूरिन रोकने जैसी गलत आदत हो। यूरिन रोकने की वजह से आपके शरीर में जमा गंदगी शरीर में ही रह जाती है, शरीर से बाहर नहीं जा पाती। इसके कारण किडनी में खराबी आना शुरू हो जाती है, जो किडनी के काम करने की क्षमता को धीरे धीरे स्लो कर देती है। तो ये हैं कुछ कारण जो आपकी किडनी की कार्य क्षमता को धीमी कर देते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन सभी आदतों में बदलाव करें। सही आहार और सही जीवन शैली आपकी किडनी के काम करने की स्पीड को हमेशा ठीक बनाए रखती है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाएं। इसमें आप सुबह के समय पर जागें और समय पर सोएं। अपने आहार में सही चीजों का सेवन करें। नियमित रूप से व्यायाम करें। पानी का सेवन सही मात्रा में करें। इसके अलावा यूरिन रोकने जैसी गलत आदत को तुरंत बदलें। तो इस तरह आप किडनी के काम करने की क्षमता को ठीक कर सकते हैं। अपने जीवन में बदलाव करने के साथ साथ आप अपने जीवन में आयुर्वेद को भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। साथ ही आप आयुर्वेदिक उपचार से किडनी में होने वाली सभी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। इसका इलाज जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा में किडनी का सफल इलाज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से किया जाता है,
जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा के इलाज में ना तो डायलिसिस की जरूरत होती है और ना ही किडनी ट्रांसप्लांट की, तो आप किडनी की समस्या के लिए कर्मा आयुर्वेदा से जरूर संपर्क करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने विचार या सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज है। पेशेंट कौन है? पेशेंट मेरी मदर इन लॉ है जी। मैं 30,000 में इलाज सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था हमारा, तो वहाँ पे डॉक्टर ने डायलिसिस बता दिया था जी। लेकिन फिर हमें आपको टीवी के जरिए माध्यम से आपके बारे में पता लगा जी। हम आपके पास आए 8-9 महीने से पहले जी, तो वहाँ से आपके यहाँ से बहुत फर्क लग रहा था जी। तो जो इनका क्रिएटिन रेटिन बढ़ा हुआ था पहले से बहुत कम है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो इसे बहुत फायदा हो रहा है आपके आपके आने से। आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और अभी डायलिसिस तो की जरूरत नहीं? नहीं सर, डायलिसिस की अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा फीलिंग कर रही हूँ। क्या उम्र है उनकी? सर उम्र 70। नॉर्मल अपना फिट लाइफ जी रही है? हाँ नॉर्मल अभी फिट लाइफ जी रही है सर। डॉक्टरों ने वहाँ पे तो उन्हें डायलिसिस के लिए बता दिया सर। हाँ जी, लेकिन जब हम आपके बारे में पता लगा, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छा। ठीक है, थैंक यू।